हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल के कुमार इम्प्रिंट एनएलपी मास्टर लाइफ कोच आज आपके साथ जुड़ा हूं और आपका अपने इस नई सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है। दोस्तों, मेडिटेशन को हिंदी में जहां ध्यान कहते हैं, वहीं चाइनीज में इसे च्यान कहते हैं, जापानी में इसे जहिन कहते हैं। और हर किसी का मतलब सिर्फ अवेयरनेस है। इसे अगर बोध कहा जाए, इसे अवेयरनेस कहा जाए, तो कोई गलत नहीं होगा। यानी कि हिंदी में इसे अगर जागरूकता कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। दोस्तों, ध्यान है कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं, आप जितने बड़े सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, आपको अपने साथ कनेक्ट कराना। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके घर पे एक टैप है और उस टैप में पानी आता है और पानी का सोर्स है आपकी छत पे रखी हुई एक टैंक। वो टैंक 1000 लीटर का हो सकता है, 2000 लीटर का हो सकता है, 5000 लीटर का हो सकता है, लेकिन उसकी कोई लिमिट है। इसी तरह अगर एक सोर्स ऑफ वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, आप उसमें बोरवेल बना देते हैं या कोई भी, जब आप अपने टैप का सोर्स ऑफ वाटर अंडरग्राउंड वाटर से कनेक्ट कर देते हैं, तो आप अनलिमिटेड कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। आप कितना ही पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना ही पानी निकाल सकते हैं, आपका टैप बंद नहीं हो सकता। यदि टैंक से जुड़ा हुआ है तो उसकी एक लिमिट है, उसके बाद में वो पानी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह आप नॉलेज बाहर ढूंढ रहे हैं, इस संसार में ढूंढ रहे हैं, जो एक टैंक की तरह है, और आप एक सोर्स ऑफ नॉलेज हो, अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज हो, जो आप अपने अंदर झांकते नहीं हैं, अपने अंदर वो बोरवेल नहीं बनाते हैं, अपने अंदर अपने आप के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए आप अल्टीमेट मजा नहीं ले पाते हैं। और उस नॉलेज के साथ में कनेक्ट करने को ही जागरूकता कहते हैं, उसी को ही मेडिटेशन कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यदि यही सोर्स ऑफ नॉलेज है तो हमें सिखाया क्यों नहीं गया, हमें बताया क्यों नहीं गया। लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या आपने ट्राई किया? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने लोगों की बातों पे विश्वास किया। दोस्तों, जरा सोचिएगा कि बहते हुए पानी की नदी का तल देखना है तो आपको क्या करना होगा? उस पानी में घुले हुए रेत के पार्टिकल्स को अलग करना होगा, और जैसे ही वो पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, वो पानी साफ हो जाएगा और आप उसके तल को देख पाएंगे। बस यही है मेडिटेशन। आपके अंदर जो लगातार विचारधारा चलती रहती है, नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों के बीच में जो आप फंसे हुए हो, उस सर्किल को तोड़ना है, उस पैटर्न को तोड़ना है। उस पैटर्न को तोड़ने के बाद में आप अपने साथ अटैच हो पाएंगे, आप अपने तल को देख पाएंगे, आप सोर्स ऑफ नॉलेज को, सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढ पाएंगे। इस सीरीज में मैं आपके साथ यही सब शेयर करने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने साथ कनेक्ट हों। जिन लोगों को मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने विचारों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो बिगिनर्स अपने आप को एक बड़े लेवल तक ले जाना चाहते हैं, उन बिगिनर्स के लिए ये मेडिटेशन की वीडियो सीरीज हेल्प करेगी उनको मेडिटेट कराने में और हेल्प करने में। और आज की मेडिटेशन टिप्स आपके लिए, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, जब आप ध्यान लगाने लगते हैं, तो विचार आप नहीं रोक पाते हो, तो आपके लिए एक टिप मैं आज साथ शेयर कर रहा हूं। आप उन विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करें और कहें कि ये विचार है, ये मैं नहीं हूं, ये विचार है, मैं नहीं हूं। जो भी विचार आ रहा है उसको सिर्फ विचार की तरह देखिए, आप वो नहीं है। जब आप उसको इस तरह से देखने लगोगे तो आप विचारों से अलग हो जाओगे, थोड़ा सा अपने आप को विचारों से अलग कर पाओगे। कुछ देर जब आप उन विचारों को बाहर से मॉनिटर करते रहोगे, क्या क्या विचार आ रहे हैं, तो फिर एक सवाल पूछिएगा अपने आप से कि अगला विचार क्या होगा। और जैसे ही आप अगला विचार क्या होगा पूछोगे, तो आप पाओगे कि आपके पास कोई भी विचार नहीं आ रहा है और आप शांत होते जा रहे हो और आप अल्टीमेट मेडिटेशन का मजा ले रहे हैं। सिर्फ आप यही सवाल पूछते रहिए, व्हाट इज नेक्स्ट, क्या है अगला विचार। जब आप अपने आप से सवाल पूछोगे तो आप इमीडिएटली थॉटलेस हो जाओगे, इमीडिएटली अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। ये टिप आप ट्राई करके देखिए और इससे आपको कितना बेनिफिट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बेहतरीन टिप। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।